नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड लेक्चरर की वैकेंसी बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है, अर्थात उत्तराखंड लेक्चरर की वैकेंसी जल्दी ही आपके सामने आ सकती है, ऐसा बहुत सारी जगहों से पता चल रहा है। साथ ही साथ में बहुत सारे लोग का मेरे पास कॉल भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहा है कि सर, उत्तराखंड लेक्चरर के इकोनॉमिक्स का बैच जो है वो न्यू बैच है, कब से प्रारंभ हो रहा है। तो उत्तराखंड लेक्चरर का नया बैच जो है दोस्तों, वो प्रारंभ हो चुका है और मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कोई एक टॉपिक भी छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, अब जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उससे पहले थोड़ा हम लोग देखें कि जो नया बैच आपका प्रारंभ हो रहा है वहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात जो होती है दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे सारे पढ़ाए जाएंगे, मतलब जो आपके सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ में एक जो समस्या होती है वो होती है इकोनॉमिक्स के नोट्स की। नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे, दूसरी तरफ आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है टेस्ट की, ताकि आप टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारे टेस्ट भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, प्रीवियस ईयर को भी देखना बहुत जरूरी होता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो लास्ट वाला मतलब आप कह सकते हैं कि करेंट भी आपके एग्जाम में एक आध प्रश्न देखने को मिलते हैं या ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपका करेंट भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो जो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए जो कॉन्सेप्ट की क्लास प्रारंभ हो रही है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, बस धैर्य बना करके आप इनको फॉलो करते रहेंगे। मैं विश्वास से कह रहा हूँ दोस्तों कि सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। तो कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, टेस्ट देके अपना इवैल्यूएशन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट। सर, जो इतना ठीक तरीके से आप करते हैं ना, तो कहां से प्रश्न बनेगा, सारी चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ये मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ। अब देखिए, अब बात आती है कि सर, कोर्स को परचेज कैसे करें और कोर्स की फीस क्या होने वाली है। तो कोर्स की जो फीस होने वाली है वो केवल और केवल 2000 रुपये होने वाली है, ठीक है, और वैलिडिटी जो होगी वो आपकी लाइफ टाइम की होने वाली है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेंगे तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे इस वैकेंसी में या आगे आने वाली वैकेंसी में। तो बस आप निश्चिंत रहिए, फीस केवल 2000 रुपये रखा गया है, और इस 2000 रुपये फीस को जमा करके आप हमारे साथ तब तक पढ़िए आराम आराम से, सारे बेस्ट कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, तब तक पढ़िए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, ठीक है। तो फीस बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग इस क्लास में बेसिकली देख लेंगे कि हम लोग उत्तराखंड लेक्चरर के का जो उत्तराखंड लेक्चरर का जो सिलेबस है वो क्या है, किन किन टॉपिकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहला यूनिट बनता है वो बनता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। सबसे पहला यूनिट कौन सा बनता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पहला यूनिट बनता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, तो 2000 रुपये जो आपको फीस जो आपकी फीस रखी गई है, इस फीस को आप इस नंबर पे, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे, ये वाला नंबर, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके, और इसका स्क्रीनशॉट जब आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर जो मान लीजिए कि आप यहाँ से नहीं कर रहे हैं, तो एक माध्यम और है,
कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या बनता है। तो सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक बनता है, वो सबसे पहला यूनिट बनता है, वो बनता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे और औसत लागत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन एवं मांग के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन हम लोग देखेंगे, मांग एवं इसके निर्धारक तत्व को देखेंगे, मांग में संकुचन व विस्तार को हम लोग पढ़ेंगे, मांग वक्र में वृद्धि व कमी को हम लोग पढ़ेंगे, मांग की कीमत लोच एवं इसके निर्धारण तथा मापन की विधियों को हम लोग पढ़ेंगे, तटस्थता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता संतुलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे मूव करेंगे। अगला देखिएगा दोस्तों कि आपका जो अगला टॉपिक बनता है वो बनता है उपभोक्ता व्यवहार एवं पूर्ति। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन फलन के बारे में, कुल उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, प्रतिफल के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लागत एवं आगम की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और इनके मध्य संबंध को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एंट्री कर जाएंगे उत्पादक का संतुलन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या होता है एवं संतुलन की दशाएं कौन कौन सी होती हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्व के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति वक्र में संकुचन व विस्तार एवं पूर्ति में कमी एवं वृद्धि, पूर्ति की कीमत लोच एवं इसके मापन की विधियों को हम लोग पढ़ने वाले। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों बाजार के स्वरूप एवं कीमत निर्धारण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता को देखेंगे, एकाधिकार को देखेंगे, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को देखेंगे, अल्प बाजार का अर्थ एवं इसकी विशेषताओं को देखेंगे, बाजार संतुलन की दशाएं एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, उच्चतम कीमत एवं न्यूनतम कीमत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भूमि श्रम पूंजी लाभ की अवधारणाओं एवं इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर हम लोग दूसरी इकाई में अर्थात दूसरे यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे जो है व्यापक अर्थशास्त्र। तो इसमें देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अंकेक्षण, आय का चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय की माप उत्पादन अथवा मूल्य वर्धित विधि को देखेंगे, व्यय विधि को देखेंगे और आय विधि को देखेंगे, राष्ट्रीय आय समग्र में हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत एवं बाजार कीमतों पर व्यय योग्य आय, निजी आय तथा व्यक्तिगत आय, वास्तविक आय एवं मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक कल्याण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आगे हम लोग मूव करेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग में। तो मुद्रा एवं बैंकिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है, कार्य क्या होता है एवं मुद्रा की पूर्ति एवं इसके विभिन्न माप क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा शाख सृजन, केंद्रीय बैंक एवं इसके कार्य, शाख नियंत्रण को हम लोग पढ़ेंगे, मुद्रा स्फीति एवं व्यापार चक्र की अवधारणाओं को हम लोग पढ़ने वाले, रोजगार एवं आय के निर्धारण को हम लोग पढ़ेंगे, समग्र मांग क्या होता है एवं समग्र पूर्ति क्या होता है, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन के बारे में पढ़ेंगे, रोजगार एवं आय के निर्धारण को देखेंगे, उपभोग एवं बचत प्रवृत्ति को पढ़ेंगे, विनियोग गुणक एवं इसका कार्यकरण, पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ तथा इसे दूर करने के उपाय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो अर्थ देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे एवं घटक देखेंगे, प्राप्तियों और व्यय के वर्गीकरण को देखेंगे, सरकारी घाटे के मापक होना चाहिए, मापक को देखेंगे, राजस्व घाटा देखेंगे, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा को देखेंगे, राजकोषीय नीति को देखेंगे। फिर हम लोग भुगतान संतुलन में जाएंगे, अर्थ एवं घटक को देखेंगे, भुगतान संतुलन घाटा को देखेंगे, विनिमय दर का अर्थ एवं प्रकार को देखेंगे, मुक्त बाजार के विनिमय दर निर्धारण को हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे तीसरे यूनिट में। तीसरा यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें देखेंगे विकास नीतियां एवं अनुभव। ठीक है,
भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य वृद्धि एवं क्षेत्रक विकास को देखेंगे, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, समस्या व नीतियों को देखेंगे, जैविक खेती क्या होता है, औद्योगिक विकास क्या होता है, औद्योगिक नीति भारत का, विदेशी व्यापार हम लोग पढ़ेंगे, और 1991 के पश्चात आर्थिक सुधारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों को पढ़ेंगे, जनसंख्या, मानव पूंजी निर्माण एवं इसकी भूमिका को पढ़ेंगे, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार, गरीबी एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामीण विकास, साख एवं विपणन समस्याओं को देखेंगे, सहकारिता की भूमिका, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा की समस्याएं, मुद्रास्फीति, संधारणीय विकास और पर्यावरण को पढ़ेंगे, वैश्विक उष्णता, भारत के पाकिस्तान एवं चीन के साथ तुलनात्मक विकास के अनुभव को हम लोग देखेंगे, और नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर हम लोग दोस्तों एंट्री कर जाएंगे, जो आपका लास्ट यूनिट बनता है वो होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम इसका अर्थ देखेंगे, क्षेत्र एवं महत्व, आंकड़ों का संकलन हम लोग देखेंगे, स्रोत को देखेंगे, विधियों एवं आंकड़ों के संगठन को हम लोग पढ़ेंगे, वारंबारता वितरण को देखेंगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यम, माध्यिका एवं बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, अपकिरण, अपकिरण में हम लोग देखेंगे विस्तार क्या होता है, चतुर्थक विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, मानक विचलन तथा इसके सापेक्ष अपकिरण माप, लॉरेंज वक्र एवं इसके अनुप्रयोग को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग सहसंबंध के अंतर्गत कार्ल पियर्सन एवं पियर्समैन विधि को पढ़ेंगे, सूचकांक के बारे में हम लोग थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया इसमें, फिर हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पाद सूचकांक एवं इसके उपयोग, मुद्रास्फीति एवं सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये आपका रहा दोस्तों उत्तराखंड का सिलेबस। तो अब एक बात समझ लीजिए कि ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ में मतलब सारे टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, अर्थात सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट नोट्स इसके दिए जाएंगे आपको, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट दिए जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे और आपको करेंट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेरे माध्यम से दी जाएगी, वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप मेरे द्वारा बताए गए सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते रहे, तो दोस्तों आपको कहीं से भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। साथ ही साथ में आप एप्लीकेशन पे भी पढ़िए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है, कहीं से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 94-94-15-863-873 ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप चाहेंगे तो डायरेक्ट अपनी फीस पेमेंट कर देंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 2000 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे, या अगर जो आप चाहेंगे तो इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें क्या कर सकते हैं कि कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, अब लग जाना है, कैसे भी करके मेहनत करना है ताकि आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने सपनों को हम लोग क्या कर पाए, साकार कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नमस्कार।